लोकसभा चुनाव के नजदीक आते बीजेपी ने मध्य प्रदेश में एक बार फिर चुनावी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। शनिवार 3 फरवरी को बीजेपी के दिग्गज नेता प्रहलाद सिंह पटेल ने छिंदवाड़ा में लोकसभा चुनाव को लेकर कोर कमेटी की बैठक की। इस दौरान उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। मध्य प्रदेश में सड़कों पर गड्ढों की मॉनिटरिंग अब पॉट होल रिपेयरिंग सिटीजन मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाएगी। इस ऐप के माध्यम से आम नागरिक अपने मोबाइल से गड्ढों की जियो टैग्ड फोटो खींच कर विभाग को जानकारी दे सकेंगे। इससे गड्ढों की समय से पहचान करते और तुरंत सुधार में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने भोपाल में विभागीय अधिकारियों के साथ इस मोबाइल ऐप को लेकर चर्चा की। कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों पर रोक साफ किया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने कहा कि ये सब अफवाहें चलती रहती हैं। उन्होंने कहा कि इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले नेताओं पर कहा कि सभी स्वतंत्र हैं, कोई किसी से बंधा नहीं है। वाराणसी में व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू होने के बाद से फिर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी प्रतिक्रिया दी है। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। बीते विधानसभा चुनाव में 80 और 20 की चर्चा काफी हुई थी। तब चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ओर से इस पर जमकर बयानबाजी भी हुई, लेकिन चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रणनीति बदली और पीजीए के फॉर्मूले के साथ चलने का ऐलान कर दिया। अब उन्होंने इसी फॉर्मूले के तहत आंकड़े भी पेश किए हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम इन दिनों सुर्खियों में हैं। श्री कल्कि धाम शिलान्यास के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने के लिए बीते दिनों उनसे प्रमोद कृष्णम ने मुलाकात की थी। अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक और बड़े नेता से मुलाकात की है। हालांकि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखने की अपील की है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आमतौर पर सबसे शांत रहने वाले देश के इस हिस्से में लोगों का सड़कों पर उतरना काफी हैरानी भरा लगता है। हालांकि लोग यही सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन नहीं कर रहे, बल्कि उनकी एक खास मांग है। लद्दाख के लोगों का कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। हाल ही में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया कि 30 भगोड़े ऐसे हैं जो साल 2022 में विदेशों में थे। इसके अलावा 24 ऐसे हैं जिन्हें निर्वासित कर दिया गया। साल 2020 और 21 की बात करें तो ये संख्या क्रमशः 84 और 136 थी। और अब भारत सरकार विजय माल्या, नीरव समेत वांछित चल रहे कई भगोड़ों को भारत वापस लाने की कोशिश कर रही है। देवों के देव महादेव फेम सोनारिका भदौरिया इसी महीने शादी करने वाली हैं। एक्ट्रेस अपने लॉन्ग टाइम पार्टनर विकास पाराशर के साथ सात फेरे लेने वाली हैं। सोनारिका ने साल 2011 में आए शो तुम देना मेरा साथ से एक्टिंग डेब्यू किया था। इसके अलावा वे दास्तान मोहम्मद में भी नजर आई। दोनों की लव स्टोरी की बात करें तो सोनारिका और विकास की मुलाकात जब में हुई थी, विकास सोनारिका के भाई के दोस्त थे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मैच 15 फरवरी से खेला जाएगा, लेकिन क्या तीसरे टेस्ट में विराट कोहली टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे? बहरहाल भारतीय फैंस के लिए अच्छी खबर नहीं है। न्यूज एजेंसी ANI की माने तो विराट कोहली भारत इंग्लैंड तीसरे टेस्ट में नहीं खेलेंगे। दरअसल ऐसा माना जा रहा था कि तीसरे टेस्ट से विराट कोहली टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं।